डिमांड बॉलीवुड की फिल्म्स की भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बैन हुबुल वतनी की वजह से लगा। हाउ स्ट्रेंज के आज जब डॉक्टर स्ट्रेंज रिलीज़ हुई तो वो हुबुल वतनी शायद कहीं खोई हुई नज़र आई। वो फिल्म मेकर्स जिन्होंने 3 साल लगा के फिल्म्स बनाई, 2 साल वो कोविड की वजह से हॉल्ट रहीं, 2 महीने की एग्रेसिव फिल्म प्रमोशंस के बाद जब वो कामयाब हुए अपनी आवाम को अपने लोकल सिनेमाज में वापस लाने के लिए, हाउसफुल गए उन फिल्म्स के, तो एक फॉरेन फिल्म की वजह से उनकी 50% से भी ज़्यादा स्क्रीन्स रोक ली गई। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप बैन लगाएं फॉरेन फिल्म पे, या जो आवाम डिमांड कर रही है उनको वो देखने से रोक लें, पर इक्वालिटी भी किसी चीज़ का नाम है, और आई थिंक ईद के त्यौहार पे पहला हक शायद एक पाकिस्तान। कभी कभी हम क्रिकेट ग्राउंड में मैच भी अच्छा नहीं खेलते बाकियों के मुकाबले में, लेकिन हम अपनी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को सपोर्ट करना भूलते नहीं हैं, क्योंकि अपने मुल्क की फिल्म जैसी भी हो एक अपनाइत है उनके साथ। यू ग्रेविटेट टूवर्ड्स योर रूट्स, और इन फिल्मों का कमाया हुआ पैसा इसी इंडस्ट्री में वापस आएगा, जबकि एक फॉरेन फिल्म का पैसा दूसरे मुल्क में जाएगा। स्ट्रेंज बात यह भी है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के बिज़नेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर 1 से 1.5 हफ्ता ये फिल्म होल्ड भी हो जाती, लेकिन पाकिस्तानी फिल्म्स जो एक हॉल्ट पे आई हैं, इससे एक लोकल प्रोड्यूसर तबाह हो रहा है। शायद वो बैन हमारी अपनी फिल्मों पे तो बड़ी आसानी से लग जाता है जब एक भी सेंसर नहीं मिले, लेकिन यहाँ पे एक मेजर सिटी से, इस्लामाबाद से, सेंसर ना क्लियर होने के बावजूद इस फिल्म को स्क्रीन किया गया। हमारी इन फिल्मों में बहुत सारे कैमरामैन, टेक्नीशियंस, लेबरर्स, मेकअप आर्टिस्ट, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, उनका खून पसीना शामिल है। एंड आई थिंक इट्स टाइम पाकिस्तान वांट्स एंड नीड्स इट्स पाकिस्तानी ऑडियंस मोर देन एवर बिफोर। वी नीड आवर फ्रटर्निटी टू बी वन यूनिट। अगर आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इन 4-5 फिल्मों के साथ ऐसा हो रहा है, तो अगली बारी आप लोगों की भी है, आप लोगों की फिल्में भी आएंगी, और अगर आज डिस्क्रिमिनेशन करने दी गई तो ये प्रोसेस रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। इसलिए प्लीज़ हम एक दूसरे का मजाक बाद में उड़ाएंगे, एक दूसरे को गिरता देख के बाद में हंसेंगे, खामोश भी बाद में रह लेंगे। इस वक्त सपोर्ट अस, हज़ारों लोग जो इस फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ताकि उसे रिवाइव कर सकें, बेहतर क्वालिटी ला सकें, बेहतर कंटेंट ला सकें। जब तक इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी तो इवन जो आप लोगों की रिजर्वेशंस हैं कि बहुत अच्छा सिनेमा देखने को पाकिस्तान में नहीं मिलता, जब तक अच्छी चीज़ें अटेम्प्ट नहीं करते रहेंगे तो इवॉल्व और ग्रो नहीं करेंगे। इसलिए प्लीज़ इस बार पाकिस्तान और पाकिस्तान के फिल्म मेकर्स को जीतने दें। डॉक्टर स्ट्रेंज को स्ट्रेंजली आपकी ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स को है।